कुछ नई भी हैं कुछ पुरानी भी हैं, लेकिन आज चूंकि चेयरमैन नैब को डीजी नैब जो मौजूद थे, वन ऑन वन मीटिंग हुई, और जिस तरह दीगर मेगा करप्शन, इस तरह मरियम साहिबा का जो केस है, टीटी स्कैंडल जो है, उसके ऊपर जो ब्रीफिंग दी गई, उसकी ब्रीफली नाजरीन के लिए ये कि क्या उसके अंदर कच्चे चटे निकले हैं कि मरियम नवाज जो है नवाज, उनकी आमदन से जाहिर 7000 केस में जो एम पेशरफ सामने आई और जो आज डीजी साहब ने और ये चेयरमैन नैब की आपस में डिस्कशन हुई है, वन पेजर जो ब्रीफ होता है उसमें मरियम के असासे रोज बरोज किस तरह बढ़े गए, इसका उन्होंने बताया कि हमने पूरा खोज लगा लिया। अब दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज को 6 साल के दौरान 79 करोड़ 42 लाख और 60 हज़ार की रकूम तहाइफ की सूरत में मिली, यानी 80 करोड़ 6 साल में मरियम साहिबा को तोहफे की शक्ल में मिले। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज पर ये भारी रकूम और तोहफे नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज से वसूल करती रही। मरियम नवाज तोहफे वसूल करते करते करोड़ों रुपए की मालिक बनती गई है, और ये ब्रीफिंग दी जा रही है। इनके असासे तहाइफ के बाद 7 करोड़ 35 लाख से बढ़कर 86 करोड़ 70 लाख रुपए और 60 हज़ार के हो गए। लाहौर में जो चेयरमैन नैब जस्टिस जुवेद इकबाल और डी जी नैब मेजर ट्रेड शहजाद सलीम की वन ऑन वन तफसीली जो मीटिंग हुई दीगर केसों के, जब इसके हवाले से ब्रीफिंग आई, उन्हें मजीद बताया गया कि दीगर मेगा जो करप्शन के हवाले से उनका मुंतकली जो शेयर की हुई है उसकी तफसील के हवाले से उन्होंने बताया जो चेयरमैन नैब को कि सईद सैफ बिन जाबर अल सवैदी ने 21 मई 2008 को 94,08,090 शेयर मरियम नवाज को मुंतकिल किए, शेख जकाउद्दीन की जानब से 20,21,760 शेयर मरियम के नाम मुंतकिल किए गए, हानी अहमद जाम की जानब से 97,033 शेयर मरियम नवाज को मुंतकिल हुए। इन तमाम शेयर की मुंतकिल 21 मई 2008 को किए जाने का इंकशाफ हुआ। ब्रीफिंग के दौरान डीजी नैब ने चेयरमैन को बताया कि गैर मुल्की रकूम की वजाहत मांगी लेकिन मरियम नवाज ने फ्राहम नहीं की, गार्डन टाउन के निजी बैंक में करोड़ों रुपए के मुंतकिल किए गए। नायब ज़राए के मुताबिक जो आज ब्रीफिंग के अंदर मजीद चीजें आई कि मरियम नवाज का कोई ऐसा जरिया नहीं था जिससे इनकी आमदनी रोज बरोज बढ़ती रही। मरियम नवाज को 2011 में 3 करोड़ 70 लाख, 12 में 5 करोड़ 16 लाख, 13 में 3 करोड़ 58 लाख 60 हज़ार, 14 में 19 करोड़ 20 लाख 50 हज़ार, 15 में 31 करोड़ 5 लाख 30 हज़ार, जबकि 16 में 17 करोड़ 25 लाख 30 हज़ार के तहाइफ मिले। 86 करोड़ 7 करोड़ से 86 करोड़ की कहानी, ये डीजी नैब की जबानी और चेयरमैन नैब और ये तमाम दस्तावेज। आप नवाज शरीफ की आखिरी उम्मीद की किरण जानशीन मरियम साहिबा भी आप जो रंगे हाथों पकड़ी गई, ये सारी चीजें कच्चे चटे सामने आ गए। अच्छा, तो मामला ये है कि नवाज शरीफ के लिए जिस तरह डोगर साहब ने कहा है उनके लिए भी अब सारी मायूसी, और वो यही कहते हैं कि मेरा अब क्या बनेगा, तो तेरा क्या बनेगा, कालिया का डायलॉग सुना था।